नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी सरकार के 28 लाख कर्मचारी और पेंशनरों के लिए है धमाकेदार खुशखबरी। सीएम योगी ने महंगाई भत्ता जारी करने के कर दिए हैं आदेश। तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता और पेंशनों को महंगाई राहत जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य के कर्मचारियों के स्थगित किए गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयार करेगा और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। सीएम योगी ने इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारी और पेंशनों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 9 के साथ प्रदेश के कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। सीएम की ओर से यह निर्देश दिया जा रहा है कि राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 28% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान की उम्मीद जगी है। 28% की दर से डीए का भुगतान होने से 16 लाख राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह में मूल वेतन का 11% का इजाफा होगा और कर्मचारियों को अभी 17% की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। हालांकि वित्त विभाग ने इस की कोई तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन विभाग की जानकारी का कहना है कि 28% की दर से डीए का भुगतान आदेश अगस्त में जारी होने की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी तक राज्य कर्मचारी और शिक्षकों की बढ़ी हुई महंगाई भत्ता और पेंशनों को महंगाई राहत की भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की 1 जुलाई से 28% की दर से डीए का भुगतान करने का निर्णय लेते हुए इस बाबत शासनादेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश के सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि जुलाई माह के वेतन के साथ 28% डीए का भुगतान न होने से कर्मचारी जगत में नाराजगी और निराशा है। कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को बढ़ी दर महंगाई भत्ता और पेंशनों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। राज्य कर्मचारी और पेंशनों को 1 जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डी और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए थे। अब राज्य सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को 11% अधिक डीए के साथ तनख्वाह देने का वादा किया है। राज्य कर्मचारियों के 18 महीने से वेतन और पेंशन अपनी बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17% की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। डीए और डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र सरकार से समानता है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण कर रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों के जुलाई से 28% की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी है। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11% की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर 50,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में 5,500 रुपये और 1 लाख मूल वेतन पाने वालों की पगार में 11,000 रुपये का इजाफा होगा। बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों का 5 संसदीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अपर मुख्य सचिव दिवेश चतुर्वेदी से मिले थे। परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और केंद्र सरकार से तर्ज पर कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते की 11% की किस्त देने की मांग की है। बैठक में आश्वासन दिया गया है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अब तक अगस्त में ही यह मिल पाएगा। अकाउंट सोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए जल्द नियमावली बनाए जाने के आश्वासन दिया गया है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाए जाने की मांग की है और समाज कल्याण विभाग के संविद शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाना और
कई विभागों में अतिरिक्त पदों की पदानुन्नति से भरे जाने की मांग की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।